क्योंकि हम अभी क्लेंजर की बात करें तो मैं अगर आपकी तरफ आती हूँ, कौन सी ऐसी चीज है किचन से निकाल कर जो हम क्लेंजर बना सकते हैं? अच्छा, दही। दही आजकल के मौसम में जो गर्मी है उसके लिए सबसे अच्छा है कि दही का पानी आप अलग कर ले और एज अ क्लेंजर करें। अच्छा, जैसे इन्होंने मेकअप किया हुआ है तो मेकअप रिमूवर भी बता देती हूँ कि घर में आप कौन सा करेंगे। आपने कोई भी फ्रिजी ड्रिंक है वो लिया, आपने इसी तरह कॉटन पे डाला, यस उस पे डाला और ये आपका मेकअप रिमूवर बन गया। अच्छा जी, और ये इसको आप इससे आप मेकअप आराम जी बिल्कुल इससे आप आराम से अपना मेकअप जो है वो रिमूव कर सकते। आंखों में ना लगाएगा वरना ये चुभेंगी बहुत। आंखों में भी कुछ नहीं होगा, आंखों से भी बिल्कुल, आंखें बंद हो और बंद आंखों से ये आपका सारा ये जो वो मस्कारा वगैरह लगा हो तो वो भी निकाल दे। अच्छा, बंद आंखों से। अच्छा ठीक है, ये इस तरह ओके तो पूरा साफ हो गया। हाँ थोड़ा सा बेटा हल्का सा इसको दबा कर फिर यूं करके पूरा निकाल दो, सारा निकल। नहीं सारा निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली करके दिखा रहे हैं। ठीक है हाँ, अच्छा ये हो गया। और फ्रिजी ड्रिंक जो है उसको टिश्यू पेपर में लगा के क्लेंजर बन गया। बस आप मतलब मेकअप रिमूवर का रिमूवर। अब अगर आपने क्लेंजिंग करनी है, आपने दही ली और दही से आपने क्लेंजिंग जी, दही लिया, दही का पानी, जैसे दही का पानी अलग करना है। ठीक है, दही में जो पानी होता है वो आपने अलग कर लिया। अच्छा, बस थोड़ा सा ये आपका बेहतरीन इस मौसम का क्लेंजर बन गया। ओके नहीं तो आप जो है ना दूध को भी थोड़ा सा लाइम डाल के फाड़ लें। अच्छा। जो उसकी बलाई अलग कर ले, जो पानी है वो अलग कर ले, वो भी आपका क्लेंजर बन गया। ओके ठीक है, बड़ा अच्छा आइडिया भाई। हाँ जैसे हम मिठाई के लिए कर रहे होते हैं लेमन से फाड़ जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो फिर जो बच जाता है वो हाँ हाँ बिल्कुल आप कर। और ये इस तरह अपने फेस पे लगा के, लेकिन ये मिकदार लेकर इस तरह लगाने बस थोड़ा सा लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है। जिस तरह आलिया कह रही बिल्कुल सही कह रही, आप चीजों जो घर की चीजें वो भी आपने थोड़ी थोड़ी लेनी, थोड़ी लेनी। ठीक है, इस तरह इस फेस पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट।